are the important questions which I am mentioning for your board exams. As per your model paper, you must know what is accounting, what is rule of debit and credit, and this rule you have to write it down in a column. ठीक है, आपने एक box बनाना है और उस box में आपने ये rule लिखना है. What is accounting equation? इस equation को आपको solution करना आना चाहिए. ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. इससे रिलेटेड आपके पास मिसिंग फिगर्स भी आ सकती हैं और एक्चुअल इक्वेशन लिखने को भी आ सकती है. ठीक है, जब मैं रूल की बात कर रही हूँ तो रूल में अगेन आपने पहला कॉलम आपका बनेगा नेचर ऑफ अकाउंट का. फाइव नेचर ऑफ अकाउंट्स होती हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू. फिर उसके आगे आप लिखेंगे सेकेंड कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट, एंड देन आपने उसके आगे रूल लिखना है कि एसेट्स जो है वो डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट में डिक्रीज होता है. ठीक है, इस तरह का आपने कॉलम शो करना है. प्रीवियस लेक्चर्स में आपको इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. वॉट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, एंड देन राइट द नेचर ऑफ द फॉलोइंग. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नेचर अक्सर आपसे पूछी जाती है, लाइक यू कैन से नेचर ऑफ कैश की नेचर क्या हो सकती है, बिल्डिंग की नेचर क्या है. ठीक है, इसके आगे आपको उसकी नेचर बतानी चाहिए. अकाउंट्स पेबल की नेचर क्या हो सकती है, क्लियर. और यू कैन आस्क सेल्स की नेचर क्या है. सो इन द एग्जामिनेशन इफ़ यू आर आस्किंग यू के नेचर ऑफ एसेट क्या है, तो आपने उसके आगे एसेट्स शो करना होगा. बिल्डिंग के आगे सेम आपने एसेट्स शो करना है. अकाउंट्स पेबल इज योर लायबिलिटी, यू हैव टू राइट इट डाउन द आंसर्स. ओके, देन नंबर फिफ्थ पॉइंट विच आई फील इज इम्पॉर्टेंट है, दैट विल बी योर अकाउंटिंग साइकिल. ओके, सो यू मस्ट नो दीज. ये आपका हमेशा क्वेश्चन नंबर वन आता है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. क्वेश्चन नंबर वन हमेशा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें वो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पूछते हैं, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, अकाउंटिंग इक्वेशन. ये बेसिक एसेंस हैं जो कि आपको ज़रूर आना चाहिए. एंड इवन दे आर आस्किंग यू कि उसके नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या हैं. अकाउंटिंग साइकिल यू मस्ट नो, इसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. दीज आर द मेन कॉन्टेंट. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम हमेशा फोकस करें रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पे, नेचर्स पे. तो नेचर्स की डेफिनेशंस को भी गो थ्रू कर लीजिएगा. लाइक हमारे पास फाइव नेचर ऑफ अकाउंट्स है ना, यू ऑल नो. इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. वी हैव फाइव नेचर ऑफ अकाउंट. कौन कौन सी नेचर्स हैं हमारे पास? ठीक है, एसेट्स की डेफिनेशन आप लोगों ने गो थ्रू करनी है. एक्सपेंस, then we have liabilities, capital, and then revenue. ठीक है, these are your basics definition for the examination point of view, जिसको आप लोग focus कर लीजिएगा. and you should not leave this, like you should not take it as a for granted. ये major parts होते हैं जो exam में हमें focus करने होते हैं. मैं एक दफ़ा आप लोग को starting से इसको top से दिखा रही होती हूँ. these are your important questions which I have written down over here. ठीक है, अच्छा एक important point हमारे पास lastly जो है, जब आप rule और debit and credit यहाँ पे लिख रहे होंगे ना. ठीक है, you are writing the rule, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. इफ़ यू आर राइटिंग, उसका फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ. रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यू आर राइटिंग, तो इसका फॉर्मेट हमेशा हमारे पास क्या होगा? वी आर यूजिंग अ टेबल. ठीक है, एंड देन वी आर मेकिंग दिस टेबल लाइक दिस. क्लियर है? मैं आपको स्क्रीन शो करती हूँ. ठीक है, नाउ वॉट यू हैव टू डू कि आपने इसमें नंबर वन, ये आपके पास सीरियल नंबर, देन आपने यहाँ पे नेचर की हेडिंग डालनी है. ठीक है, ये दिस इज द पैटर्न विच यू हैव टू डू इन द एग्जाम. मैं इससे पहले भी आपके साथ रिपीट कर चुकी हूँ, बेटे दोबारा इसको फोकस कीजिएगा. ये वो पैटर्न्स हैं जिससे आपने पेपर में सॉल्व करना है, यू विल गेट द गुड मार्क्स. ठीक है, सीरियल नंबर, नेशन, डेबिट एंड क्रेडिट, इट्स रूल को बहुत अच्छे से फोकस कर लें. दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट. अगर मैं यहाँ पे एक फिल भी आपको करके दिखा देती हूँ, सो दैट नेचर की बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट इज योर नेचर. इसमें डेबिट एंड क्रेडिट को किस तरह देखेंगे कि डेबिट में हमेशा हमारे पास इंक्रीजेस आएगा और क्रेडिट में हमारे पास हमेशा डिक्रीजेस आएगा. ठीक है, सो दिस इज योर सिंपल क्वेश्चंस एंड सिंपल कैलकुलेशंस व्हिच वी आर यूज्ड टू फॉलो ऑल द टाइम.
और इसको हम फोकस करते हैं साइमल्टेनियसली फाइव नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं उसको एज इट इज फॉलो कीजिएगा एंड दिस इज अगेन द रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चंस दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी यूज टू फॉलो ठीक है अकाउंटिंग खुद क्यों होती है व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी फॉर्मेटिंग मैंने अभी आपको शो करी है अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्मेटिंग वी हैव गॉन थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके पास एक पॉइंट और बता देती हूँ यू मस्ट नो कि आपके पास बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है यानी बेसिक की जब बात करते हैं बेस फॉर ठीक है बेसिक इक्वेशन की जब मैं बात कर रही हूँ सॉरी आई एम राइटिंग स्पीडीली सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग मिस्टेक बेसिक इक्वेशन इज योर एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल दिस इज योर बेसिक इक्वेशन जिसको हम लोग कह रहे होते हैं और जब मैं आपसे इसकी ड्राइव्ड इक्वेशन की बात करूंगी ठीक है ड्राइव इक्वेशन की बात कर रही हूँ तो आपने एक इक्वेशन फॉर द लाइबिलिटी लिखनी है जो कि एसेट माइनस कैपिटल होगी एंड देन अगर मैं इक्विटी की बात कर रही हूँ या आप इसको कैपिटल भी कह रहे हैं ठीक है सी देन सी इज इक्वल्स टू अगेन ए माइनस एल सो दिस इज ऑल फॉर टूडे देन यू हैव टू गो थ्रू दीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्टार्ट वर्किंग दीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्पीडली राइट नाउ ठीक है थैंक यू सो मच